नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स ऑफ एक्स और एक्स को लेके ग्राफ में आप देख सकते हैं कि टैन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स से छोटा है, तो इसकी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं पहले, टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स इज लेस देन वन, और इसका रेसिप्रोकल फॉर्म कर लेते हैं, ये हो जाएगा ग्रेटर देन वन। अब यहाँ पर देखिए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये है लेस देन वन, इसलिए इसकी लिमिट जीरो हो जाएगी, और एक्स बाई टैन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन है, तो इसकी लिमिट वन हो जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट में जो ग्रेटर देन वन है उसको देख लेते हैं, ये वाला है लेस देन वन वाला, तो सिंपली इसको लिख देंगे हम टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स फ्रैक्शन ही है, लिमिट ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस जीरो, और इसकी लिमिट वन होती है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये है ग्रेटर देन वन, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स बाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स अप्रोचेस जीरो, इसकी लिमिट वन हो जाएगी, और वन माइनस वन ये हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से हमने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।